वर्तमान में करेरा नगर पंचायत पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। यहाँ पर शासन के नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व कचरा गाड़ियों को खरीदने के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से नगर पंचायत ने विड लगाई थी, लेकिन विड को खोले बिना ही मनमाने तरीके से परिषद को विश्वास के लिए किसी फर्म से अपना मोटा कमीशन फिक्स कर कचरा गाड़ियों को मंगवा लिया गया है, जिसका ना तो बिल और ना ही कोई फाइल नगर पंचायत में मौजूद है। इसे लेकर आज कुछ मीडिया कर्मियों को साथ लेकर वार्ड नंबर 3 के पार्षद शालिनी सोनी, वार्ड नंबर 15 श्रीमती खुशबू यादव ने जब सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने फाइल उपलब्ध न होने की बात कही, वहीं टालम टोली करते हुए नजर आए। इसलिए उन्होंने जब फाइल लेने के लिए दबाव डाला तो सीएमओ साहब चैंबर छोड़कर भाग गए। जानकारी के नाम पर नगर पंचायत ने जो बिट जिम पोर्टल पर लगाई थी वो उपलब्ध कराई, किसी फर्म का कोई बिल उपलब्ध नहीं कराया। निश्चित ही ये गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है और नगर पंचायत के भ्रष्टाचार के प्रति समर्पण को भी प्रदर्शित करता है। इनका कहना है कि नगर परिषद सीएमओ ने कहा है कि जो कचरा गाड़ी खरीद की गई है वह जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी है, जो आरोप लगाया है वह गलत है। रिपोर्टर संजय गुप्ता की रिपोर्ट। जी सोनी, मैं वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद हूँ। क्या कुछ मामला था ये? अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइम पहले मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि यहाँ पे कचरा गाड़ी आई होंगी। अब ये गाड़ी कहाँ से आई है, किस होटल से आई है, किस फार्म से आई है, मैं इसकी जानकारी लेने आई हुई थी जी। जिसमें सीएमओ सर ने बोला कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने बिल मांगी तो ना तो उन्होंने बिल दी, सिर्फ एक बिट की फाइल ईमेल कर दी उन्होंने मुझे जी। और जो ये बिट लगी हुई है उसका मैं आपको आईडी नंबर बताती हूँ। ये देखिए, ये है आईडी नंबर, आप देख लीजिए एक बार जी। अब सर ने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया और सीधे वो